मामला सामने आया है जिसमें कोचिंग द्वारा बच्चों से फीस जमा करवाने के बाद कोचिंग बंद कर दी और संचालक भाग खड़े हुए। इंदौर में पैरामाउंट कोचिंग द्वारा बच्चों से पूरी फीस जमा करवाने के बाद संचालक ताला लगाकर वहां से भाग खड़े हुए। जी, भवरकुआ उदयपुरा बिल्डिंग में संचालित हो रही पैरामाउंट कोचिंग सेंटर में करीब 100 बच्चों से पूरे कोर्स की एडवांस फीस जमा करवा ली गई। किसी से 10,000 रुपए तो किसी से 15,000 रुपए जमा करवाए गए। इसके बाद कोचिंग में ताला लगाकर यहां के संचालक भाग गए। अब पीड़ित विद्यार्थी इंदौर DIG थाना में जन सुनवाई में अपनी समस्या को लेकर पहुंचे। पहले बोला था एडमिशन के टाइम कि 6 से 7 महीने में कोर्स कंप्लीट करा के देंगे, पर बीच में सिर्फ अभी तक 6 महीने हो चुके हैं, 5-6 महीने, बस 2 महीने तक ढंग से कोचिंग लगी है और सिर्फ 5-10% बस कोर्स कंप्लीट हुआ है। 100 से ऊपर होंगे, 150 लगभग होंगे बस। और बोला गया था कि अभी बीच में अभी कोचिंग स्टार्ट करेंगे, अचानक से बंद कर दी सब कोचिंग, सब स्टूडेंट्स की छुट्टी कर दी और अभी बात भी नहीं कर रहा सर ढंग से कि अभी स्टार्ट करेंगे, ये भी नहीं बता रहे कि नई कोचिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले पैरामाउंट बदली, फिर उसका नेम चेंज किया और अब जगह ही चेंज कर दी। किसी की 12,000, किसी की 15,000, 12 से 15,000 रुपये लेके सब यहाँ से रबू चक्कर हो गए हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे सिलेबस जो 6 से 7 महीने में होना था उसको लगभग 6 से 7 महीने हो चुके हैं, किसी का 10%, किसी का 20% सिलेबस हुआ है। और स्टूडेंट सब की, स्टूडेंटों की मांग है कि वो उनका पैसा रिफंड हो। जी, हमको वहाँ से धमकी भरे मैसेज मिलते हैं कि आप थाने में जाके क्या करोगे, थाने में हमने बात कर ली है, कुछ नहीं होगा, हम आपको ये करेंगे वो करेंगे। अब हम उन पर विश्वास कैसे करें? अब हम इतना प्रोसेस कर चुके हैं, अगर हम उनसे दोबारा पढ़ते हैं वो हमें बोलते हैं कि हम आपका सिलेबस कराएंगे। तो हमने इसमें थाने में भी दिया हुआ है, कल कलेक्ट्रेट में भी हमने एप्लीकेशन लगाई हुई है अपनी, और आज SSB मैम को भी मिलना है। कोचिंग संचालक है, उसके पहले किसी और नाम से और बाद में किसी और नाम से कोचिंग खोली है। तकरीबन 100 से 150 बच्चे जो अफेक्टेड हुए हैं, क्या उन्होंने अपनी फीस चार्ज में दिया? आज यहाँ पे 40-50 बच्चे आए थे जिनका कहना था कि उन्होंने फीस जमा की थी, उसके बाद टाइमली अभी क्लास शुरू नहीं हुई है और कई दिन तक वो गायब भी रहा था। और उसके बाद अब आश्वासन दे रहा है कि वो कोचिंग चालू करेगा, बट बच्चे लोग को उससे आश्वस्त नहीं है और उस पर कार्रवाई करना चाहते हैं। तो उसकी हम लोग समीक्षा करके उस पर अगर जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं किया है तो उसी अनुरूप उस पर कार्रवाई की जाएगी।